दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी को कवर करने जा रहा हूं जिसका नाम है द फ्लाई। इसको लिखा था कैथरीन मैंसफील्ड ने 1922 फ्रांस में और 1922 और 1923 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो बुजुर्ग आदमियों से, बूढ़े आदमियों से। पहले का नाम है द बॉस और दूसरे का नाम है मिस्टर वुडीफील्ड। ये वुडीफील्ड थोड़ा बीमार रहता है और ये दोनों जने हर मंगलवार को, इनका नियम बंधा हुआ है कि ये हर मंगलवार को बॉस के ऑफिस में मिलते हैं। ये वुडीफील्ड पहले बॉस के ऑफिस में ही काम करता था लेकिन अब ये रिटायर हो चुका है और अपने वर्क प्लेस पर ऐसे ही घूमने आता है बॉस से बातें शांतें करने। मैंने आपको बताया था कि इसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती, तो हर हफ्ते मंगलवार के दिन इसकी वाइफ और इसकी बेटी इसको अलाउ करती हैं कि जाके बाहर घूम आओ, कहीं और नहीं जाता, बस बॉस के ऑफिस में आ जाता है। तो ये देखता है कि यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारी लग्जरी फर्निशिंग हो चुकी है और ये बॉस की तारीफ करता है कि आप में तो अभी भी वही ताकत है जो पहले थी। आप तो इस ऑफिस में 5 साल मुझसे सीनियर थे लेकिन फिर भी आप में वही स्टेमिना है अभी भी काम करने का। अब ऐसे ही ये दोनों बातें कर रहे थे तो वुडीफील्ड बॉस को बोला कि मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करने वाला था, कोई ज़रूरी बात करना चाहता था लेकिन मैं भूल गया कि वो बात क्या थी। एक बात मैंने आपको नहीं बताई कि इस वुडीफील्ड को भूलने की बड़ी गंदी आदत है। तो बॉस इसको बोला चलो कोई बात नहीं, आप याद करो, तब तक हम बैठकर विस्की पीते हैं। अब दोस्तों विस्की पीते पीते वुडीफील्ड को याद आ गया कि वो क्या कहना चाहता था। वो बॉस से बोला कि मेरी बेटी अभी अभी बेल्जियम जाकर आई है, तो वो मेरे बेटे रैगी की कब्र के पास भी होकर आई थी, तो आपके बेटे की कब्र भी उसने देखी, उन दोनों कब्रों की अच्छे से देखरेख की जा रही है। ऐसा वुडीफील्ड ने बॉस को बोला। अब जैसे ही ये बात वुडीफील्ड ने बॉस को बोली तो बॉस को ये बात सुन के शॉक सा लगा, क्योंकि बॉस का बेटा 6 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 में मारा गया था और इस वुडीफील्ड का बेटा भी 6 साल पहले मारा गया था, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो इन दोनों के बेटों की डेथ हो चुकी है और इन दोनों के बेटों को बेल्जियम में ही दफनाया गया है। अब विस्की पीने के बाद वुडीफील्ड जब बॉस के ऑफिस से निकला तो उसके जाने के बाद बॉस ने क्या किया, खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया
और अपने क्लर्क से बोला कि ध्यान रखना आधा घंटा कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद वो क्या करता है, अकेले ऑफिस में अपने बेटे के लिए रोने लगता है। तभी इसके दिमाग में वो बात याद आती है, इसने तय किया था, ये पहले ही अपने बेटे की मौत पर 6 साल से बहुत रो चुका है और इसने तय किया था कि वो अब दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं रोएगा। तभी इसने अकेले में ऑफिस बंद किया है और रोने जा ही रहा होता है, वो याद करता है कि कैसे उसने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा बिजनेस सेट किया था कि जब उसका बेटा इस बिजनेस को संभालने लायक हो जाएगा तो वो उसे ये बिजनेस दे देगा, लेकिन उसके जवान बेटे की जवान मौत ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर वो अपने बेटे की फोटोग्राफ को देखने लगा, वो इमोशनल हो गया उसको देखकर। तभी इसका ध्यान बट गया, कैसे, तभी इसने क्या देखा कि एक मक्खी उसके इंक पोट, जो इंक पोट होता है जिसमें स्याही डालते हैं, उसमें डूब रही थी। तो इसने क्या किया, एक पैन लिया और उस मक्खी को पैन से बाहर निकाल दिया उस इंक पोट से, और एक ब्लॉटिंग पेपर पर उसको रख दिया और उसको देखने लगा। अब वो मक्खी क्या कर रही थी, बड़ी मेहनत करके अपने शरीर पर लगी हुई इंक को साफ कर रही थी, अपने पंखों से, अपने फेस से। अब जब उसके फेस से और पंखों से इंक साफ हो गई तो वो साफ करके, इंक साफ करके उड़ने ही वाली थी कि बॉस ने क्या किया, एक बड़ी सी बूंद उस मक्खी पर फिर से पटक दी, ये चेक करने के लिए कि अब मक्खी क्या करेगी। तो बॉस ये देखकर बड़ा इंप्रेस हुआ कि वो मक्खी बड़ी हिम्मत के साथ फिर से उस पेपर पर आगे बढ़ते बढ़ते खुद को साफ करती जा रही थी। अब की बार भी जब उस मक्खी की इंक साफ हो गई तो बॉस ने क्या किया, एक बार फिर से उस पर इंक डाली। दोस्तों इस बार भी उस मक्खी ने खुद को साफ करने की कोशिश की बड़ी हिम्मत के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गई। इस बार वो मर गई, वो हिल नहीं रही थी। तो बॉस ने क्या किया, उस कागज को और उस मक्खी को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और अपने क्लर्क को अंदर बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक नया ब्लॉटिंग पेपर लेके आओ। उसका क्लर्क वहां से चला गया। उसके क्लर्क के जाने के बाद उसने क्या किया, रुमाल लिया, अपना मुंह पोंछा और वो सब कुछ भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले वो किस बात पर रो रहा था। दरअसल दोस्तों यहाँ पे बॉस ने खुद को मक्खी माना और स्याही अपने बेटे की मौत के दुख को। तो बहुत जल्दी वो ये बात समझ गया कि बार बार गम की स्याही अगर उस पर गिरी तो उसकी मौत जरूर हो जाएगी, इसलिए उसने अपने लिए एक नया पेपर मंगवाया। और दोस्तों इस कहानी में एक और चीज बताई है, टाइम को एक ग्रेट हीलर बताया गया है। हीलर मतलब जो जख्मों को भरता है। टाइम जख्मों को भर ही देता है, कितना भी बड़ा जख्म हो, कितना भी बड़ा घाव हो, टाइम उसको भर ही देता है। और दोस्तों यही थीम है इस कहानी की और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। द फ्लाई इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है न्यूजीलैंड की एक राइटर ने जिनका नाम है कैथरीन मैंसफील्ड, और ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1922 में। और इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम को वेस्ट किए हम एक स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, एक मिस्टर वुडीफील्ड नाम का आदमी है और ये रिटायर हो चुका है अपने काम से, अपने ऑफिस से, और ये काफी बीमार रहता है और इसे भूलने की भी बीमारी है, और इसका ख्याल इसकी वाइफ और इसकी बेटी रखती है। तो क्योंकि इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है तो इसकी वाइफ और इसकी बेटी इसे घर से बाहर नहीं जाने देते, घर पर ही रखते हैं। और एवरी ट्यूसडे को वो लोग इसे अलाउ करते हैं जाने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए। तो ये ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाता, ये जाता है अपने बॉस के पास। मतलब जब ये काम करता था तो इसका जो बॉस था उससे इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और अभी भी इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये जाता है बॉस के पास और इस बॉस का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बस स्टोरी में द बॉस लिखा है तो हम लोग भी द बॉस ही बोलेंगे। तो ऐसे ही एक ट्यूसडे को ये जो वुडी फील्ड है ये जाता है अपने बॉस से मिलने उसके ऑफिस में। तो ये जाता है तो देखता है कि वो जो उसका ऑफिस था ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था, जितने भी फर्नीचर्स वगैरह थे, कारपेट वगैरह थे, सब कुछ नए आ गए थे, सब कुछ नया नया था। फिर वो जाता है अपने बॉस के पास और उनसे बातचीत करने लगता है। फिर वो बातों ही बातों में बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं भूल गया। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि इसे भूलने की बीमारी रहती है तो इसलिए ये भूल गया था। फिर ये दोनों विस्की पीते हैं और उसके बाद फिर से ये वुडी फील्ड बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला था।
तो द बॉस बोलता है कि हाँ ठीक है बताओ क्या बताने वाले थे। तो ये बताता है कि मेरी जो बेटी है वो बेल्जियम गई थी अभी कुछ दिनों पहले, और बेल्जियम में जो मेरा बेटा का कब्र है वहाँ पे भी वो गई थी। और वो ये भी बताई कि आपके बेटे का जो कब्र है वो भी मेरे बेटे के कब्र के पास ही है। एक्चुअली ये वुडी फील्ड का बेटा और द बॉस का बेटा, ये दोनों का बेटा 6 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 में मारा गया था बेल्जियम में, और उन लोगों को वहीं पे दफना दिया गया था। तो ये बात सुन के जो द बॉस है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वुडीफील्ड ये भी बताता है कि वहाँ पे मेरी बेटी गई थी और वो देखी कि वहाँ पे वो लोग जो थे वो लोग काफ़ी अच्छी देखभाल कर रहे थे हमारे बेटों की कब्र की। फिर ये सब कहता है वुडीफील्ड और कुछ और बातें बातें करता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो ये द बॉस था ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और इसने ये डिसाइड किया था कि मैं अब नहीं रोऊंगा। मतलब 6 साल पहले जब इसकी बेटी की मौत हुई थी तो ये लगातार बहुत ज़्यादा रोता आया है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता आया है लोगों के सामने, लेकिन अब इसने ये डिसाइड किया था, खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अब किसी के सामने भी नहीं रोऊंगा। तो इसलिए वो ऑफिस के किसी स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि मैं अपने केबिन में हूँ और किसी को भी अंदर मत आने देना कम से कम आधे घंटे तक। और वो अपने केबिन में जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है उस रूम में और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, अपने बेटे को याद करने लगता है। वो याद करता है कि कैसे उसका बेटा जो था वो जब जिंदा था तो कैसे इसने सोचा था कि मैं जितना भी बिजनेस का काम है मेरा, जो भी बिजनेस है मैं सब उसे दे दूंगा, और वो मेरे साथ प्रैक्टिस किया करता था डेली डेली बिजनेस के काम संभालने की कोशिश किया करता था। फिर उसे याद आता है कि 6 साल पहले जब उसकी बेटी की मौत हुई थी तो वो कैसे नहीं गया था बेल्जियम उसकी कब्र को देखने के लिए। इसे पता था कि जब वो देखेगा तो ये खुद को नहीं रोक पाएगा और ये शायद इतना रोएगा कि ये रोते रोते मर जाए, इसलिए ये बेल्जियम नहीं गया था। फिर उसके केबिन में उसके बेटे की एक फ़ोटो लगी थी, वो फ़ोटो देख के वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, रोता है। फिर ये सब वो सोच ही रहा था तभी उसका ध्यान उसके इंक पॉट पे जाता है, मतलब जिस डब्बे में इंक रखते हैं उसे इंक पॉट कहते हैं, तो उस पे जाता है। वो देखता है कि वो जो इंक पॉट था उसमें एक मक्खी गिरी हुई थी, एक फ्लाई गिरी हुई थी, और वो काफ़ी कोशिश कर रही थी उस इंक पॉट से बाहर निकलने की और वापस से उड़ने की। तो ये द बॉस जो है ये बड़े गौर से देखता है उस मक्खी को, उस फ्लाई को, और बहुत ध्यान से देखता है, और वो देखता है कि कैसे वो मेहनत कर रही है उस इंक पॉट से निकलने की, कितना स्ट्रगल कर रही है वो, अपने पैरों को पूरा खींच रही है, दबा रही है, पूरा मेहनत कर रही है। और कहीं ना कहीं द बॉस को उस फ्लाई के मन की बात समझ में आ रही है कि वो क्या सोच रही होगी अभी कि मैं कहाँ फंस गई, मैं कितनी, मतलब वो कितनी अपसेट होगी अभी, निकलना कितना चाह रही होगी। फिर उसके बाद द बॉस क्या करता है कि एक पेपर लेता है और एक पेन के टिप के मदद से उस मक्खी को बाहर निकालता है और उस पेपर पर रख देता है। फिर वो और गौर से देखता है कि कैसे कैसे वो जो मक्खी है वो उस इंक से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो वापस से उड़ने की कोशिश करती है। फिर स्ट्रगल करते करते जो मक्खी है वो आखिर से उस इंक से निकल ही जाती है, और जैसे ही ये उड़ने वाली होती है ये जो द बॉस है ये क्या करता है कि एक बूंद ले लेता है इंक का और उस मक्खी के ऊपर फिर से डाल देता है। अब वो मक्खी फिर से कोशिश करती है उस इंक से निकलने की, वो बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, और फाइनली वो फिर से निकल जाती है, और ये जो द बॉस है ये फिर से उसके ऊपर एक और बूंद डाल देता है इंक की, और इस बार उसके जो पैर थे वो थोड़े से कम काम कर रहे होते हैं, बहुत वो धीरे धीरे कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आखिर तक हार नहीं मानती है, वो कोशिश करती जाती है, और फिर से एक और बूंद डाल देता है, और फाइनली वो जो फ्लाई थी उसकी मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं और वो मर जाती है। अब ये जो द बॉस है इसे थोड़ा सा अंदर में ख़राब लगता है कि मैंने एक पक्षी को मार दिया, लेकिन फिर वो उस पेपर को और उस मरी हुई फ्लाई को क्या करता है, उठा करके डस्टबिन में फेंक देता है। फिर उसके बाद वो एक बेल बजाता है और अपने एक स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि मुझे एक नया वाइट पेपर ला के दो। फिर उसका जो स्टाफ है वो जाता है वाइट पेपर लाने, और ये जो द बॉस है ये फिर सोचता है कि आखिर मैं थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा था और क्यों इतना अपसेट था, और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ये जो द बॉस है इसने उस फ्लाई को अपनी जगह समझ लिया और वो जो इंक था उसे समझ लिया अपने बेटे के जाने के दुख को, और जैसे वो जो फ्लाई थी उस इंक से बाहर निकलने की स्ट्रगल कर रही थी वैसे ही ये जो द बॉस है ये भी स्ट्रगल कर रहा था अपने बेटे की मौत का जो दुख था उस दुख से बाहर निकलने की।
और फिर वो देखता है कि वो जो फ्लाई थी वो आखिरकार उस दुख के अंदर दब जाती है, वो जो इंक था उसके अंदर दब जाती है और मर जाती है। तो वो सोचता है कि अगर मैं भी इसी तरह सोचता रहा अपने बेटे के मरने के दुख के बारे में, तो मैं भी इसी तरह एक दिन से गम के बोझ के अंदर मर जाऊंगा। तो इसलिए उसने उस पेपर को फेंक दिया और एक नया पेपर मंगवाया, ताकि वो अपने जो बेटे के मरने का जो मेमोरीज था वो सबको फेंक दे, भूल जाए और एक नया फ्रेश स्टार्ट करे। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कैथरीन मैंसफील्ड की स्टोरीज इसी टाइप की होती हैं कि जो मैसेज होता है स्टोरी में, वो जो रीडर होता है उसे खुद समझना होता है कि क्या मैसेज है आखिर इस स्टोरी में। और इस स्टोरी के थीम की बात की जाए तो मेमोरी, टाइम, डेथ, इमोशंस, ये सारे इस स्टोरी के थीम हैं।